वन वेलकम टू कारण क्रंच तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो दिस इज योर लेक्चर नंबर ट्वेंटी सिक्स आज हम कवर करेंगे वुमेन राइट uh, ये जो चैप्टर है इसको हम कंप्लीट करेंगे आज इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दे दिया है उसमें हमें हमने वुमेन राइट्स को लेके जो भी ग्लोबल चीज़ें हैं वो डिस्कस करी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो ही इंटरनेशनल कन्वेंशन या कोई वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस उसके बारे में हमने बात की क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ वुमेन राइट देखे है तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि यू हैव टू बी स्पेसिफिक टू इंडिया या आपको ग्लोबल वुमेन राइट्स की बात करनी है ठीक है तो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड हमने दोनों चीज़ें कवर करी हैं कल हमने ग्लोबल लेवल पे कवर किया और आज हम इसको लेके इंडिया में जो राइट्स दिए गए हैं वुमेन को उसके बारे में बात करेंगे फाइन तो बिफोर यू प्रोसीड फर्दर एज ऑलवेज से डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया एंड uh, मुझे कमेंट से बताएं आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं अगर आपको मेरे वीडियोस का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ठीक है वहाँ से आप आ, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे मैं पीडीएफ टेस्ट सीरीज़ वगैरह अपलोड करती हूँ एंड आपका जो यूनिट सिक्स है स्कीम्स का पार्ट उसके भी पार्ट्स वहीं पर अपलोड होंगे ठीक है तो डू ज्वाइन दिस ग्रुप ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बट इफ एव इनि क्वेरी आप मुझे यहाँ पे आ, मेल कर सकते हैं करण क्रंच फोर वन वन एट जी मेल डॉट कॉम ठीक है तो देखते हैं ये हो गया था इंट्रोडक्शन कन्वेंशन वगैरह ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस आई होप आपको याद होंगी जो हमने पढ़ी थी ये भी हो गया तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टाइप्स ऑफ वुमेन राइट से देखो वुमेन्स राइट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो टाइप्स में एक आपके पॉलिटिकल राइट्स हो गए एंड आपके सिविल राइट्स हो गए ठीक है पॉलिटिकल राइट्स हो गए इसे राइट टू वोट कि आपको राइट right दिया जाता है अगर आप 18 ईयर्स अबोव हा वोट कास्ट कर सकते हो राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन आप इलेक्शन भी कंटेस्ट कर सकते हो ठीक है राइट टू कैंपेन आप पोलिटिकल कैम्पेन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो पोलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेट कर सकते हो पीसफुल असेंबली एसोसिएशन वगैरह जैसे पीसफुल असेंबली लोग इकट्ठे होते हैं किसी एक रीजन की वजह से ठीक है पीसफुल प्रोसेशन निकालते हैं पॉलिटिकल रैलीज निकालते हैं वो सब चीजें ओवरऑल इस सब को आप बोल सकते हो एक पॉलिटिकल लाइफ में जो है आपको पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेट करने दिया जाता है वो सारे राइट्स आपके पॉलिटिकल राइट्स हो गए जो आपको कंट्री प्रोवाइड करती है एंड सिविल राइट्स आपको मिलते हैं क्योंकि आप एक सिटीजन आप एक मेंबर ऑफ सोसाइटी भी हो तो कुछ फ्रीडम जो है आपका हक है एंजॉय करने का तो इसमें कौन से राइट्स आते हैं आपके राइट टू लाइफ ये कौन सा आपका आर्टिकल है आर्टिकल ट्वेंटी वन ठीक है राइट टू लिबर्टी इक्वालिटी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल नाइनटीन फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ठीक है तो ये सारे जो फ्री ये राइट्स आते हैं इनको हम क्या बोलते हैं सिविल राइट्स इनको फर्स्ट जनरेशन राइट्स भी बोला गया है जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं ये इंश्योर करते हैं कि आपके राइट्स आपकी प्रोटेक्शन हो कम्प्लीटली एंड आपको प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स वो कैसे आपको अगर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो आप एन्जॉय कर सकते हो बारिंग फ्यू एक्सेप्शन उसमें एक्सेप्शन है हम वहाँ नहीं जा रहे लेकिन उन फंडामेंटल राइट से आपको गवर्नमेंट भी वो राइट्स नहीं ले सकती है आपसे वो स्टेट आपसे वो राइट right नहीं ले सकती है मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि कल को अगर हम बीजेपी गवर्नमेंट आ गए और आप पीडीपी वर्कर हो या आप एन के वर्कर हो तो आपको बीजेपी गवर्नमेंट बोले कि आपको ये राइट्स एंजॉय आप नहीं कर सकते हो तो ऐसी इंटरफेरेंस आपके राइट्स में नहीं हो सकती है या कोई इंडिविजुअल आके खड़ा हो जाए आपका नेबर खड़ा हो जाए बोले नहीं इसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो हटा दो इस इंसान को इसको हक नहीं है तो ऐसा सब कुछ नहीं हो सकता है। ये राइट्स जो है आपको ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं कि आपके राइट्स पे कोई भी इंट्रूजन ना हो ठीक है कोई इन्वेजन ना हो आपके राइट्स की एंड उनमें कोई इंटरफेरेंस ना हो ये सबके लिए राइट्स होते हैं वो बराबर होते हैं ठीक है इसीलिए हमें क्या बोला जाता है आर्टिकल थर्टीन में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो हर सिटीजन को मिलती है आगे देखते हैं हमें इसमें डिस्कस करना है वुमेन राइट अब हम करेंगे उसमें कौन सा डायमेंशन हम देखेंगे इंडियन एंगल में उसको ये करने की कोशिश करेंगे हम एनालाइज करने की द रियलिटी इज़ दैट डिस्पाइट इक्वल प्रोटेक्ट पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स वुमेन आर अनएबल टू एंजॉय देम ठीक है ये रियलिटी है ऑन ग्राउंड तो हमारे लिए बहुत सारे लॉज वगैरह बने हुए हैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं ऐसे एक्ट्स हैं ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कहता है कि हम इक्वल हैं ठीक है लेकिन बट स्टिल वी आर अनएबल टू एंजॉय दम क्योंकि हमें समझना होगा हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में है तो हमारे लिए चीजें उतनी सिंपल नहीं है जितना लगता है ऑन पेपर कि हमें सारे राइट्स मिले गए हैं दैट हम एक एंजॉयमेंट वाली लाइफ जो है वीमेन uh, वो जी रही होंगी पर ऐसा नहीं है क्योंकि आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है ये सही होना चाहिए लॉज लाने से सिर्फ कुछ नहीं होगा एक लॉ तो लेके आ गई गवर्नमेंट ठीक है उसके बाद उस लॉ की एक्सेप्टेंस सोशल लेवल पे होनी चाहिए आपके सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए सोशल स्ट्रक्चर कि वो रेडी हो इन नई चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए जो फिलहाल इंडिया में नहीं है इसीलिए वुमेन आर नॉट एबल टू एंजॉय दी राइट्स दैट आर गिवन To them. अगर हम देखें वुमेन की यूनियन एंड स्टेटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ ठीक है, तो है? 74th, वो किस चीज के लिए के थे? Uh, से किया गया था, पंचायती राज सिस्टम आपको पता होगा पंचायत ठीक है पंचायती राज सिस्टम तो रूरल एरियाज़ में एक गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसको बोलते हैं ठीक है एंड आपके सेवेंटी फोर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से अर्बन लोकल बॉडीज सेटअप की गई थी जिसको अर्बन एरियाज़ में शहरों में म्यूनसिपैलिटीज़ बोलते हैं ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बेसिकली होता क्या है जैसे आपके एक्ट्स बने होते हैं कोई चीज़ें बनी हुई होती हैं या कोई अगर चेंजेस लानी होती हैं तो वो हम थोड़ अमेंडमेंट्स लेके आते हैं लाइक like कोई एक लॉ बना हुआ है वो लॉ बहुत साल पहले बना है नाइनटीन हंड्रेड्स में वो लॉ बना है लेकिन आज आपको टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रियलाइज़ होता है कि नहीं इस लॉ में कुछ चेंजेस आना ज़रूरी है क्योंकि सोसाइटीज़ एवर इवॉल्विंग आपको सोसाइटी के चेंज के अकॉर्डिंग लॉज को भी चेंज करना पड़ेगा ठीक है तो आप क्या करते हो वो जो लॉज बने हुए हैं उनमें अमेंडमेंट लेके आते हो दैट मीन्स उनमें चेंजेस लेके आते हो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं ठीक है तो सेवेंटी थर्ड सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग सेटअप किया गया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक तो ये पंचायती राज है म्यूनसिपैलिटीज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्यों देखो एक तो हो गया सेंटर जो आपका चला रहा है दिल्ली आपकी जो गवर्नमेंट चला रही है ठीक है पार्लियामेंट वो कंट्रोल करे आपके सिटीज को भी आपके विलेजेस को भी हर हर किसी को तो वो सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी कि एक ही के पास सारा कंट्रोल है लेकिन यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का कि पावर जो है वो अलग अलग एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है फॉर एग्जाम्पल रूरल एरियाज जो है उनको अपनी एक टाइप की गवर्नमेंट चलाएगी जिसपे ओवर किया जाएगा लेकिन उनको कुछ काइंड ऑफ अटोनमी उनको इंडिपेंडेंस दी जाएगी कि वो एक गवर्नमेंट वहां सेटअप कर सके वो किसके अंडर आता है पंचायती राज के या ऐसा होता ना कि आपका जो पार्लियामेंट है वो विलेजेस का भी सारा काम देख रहा होता वो विलेजेस की गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है इन दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या इस्टेब्लिश किया गया एक आपका पंचायती राज इस्टेब्लिश किया गया जो रूरल एरियाज़ का को लुक आफ्टर करेगा एक आपके अर्बन लोकल बॉडीज़ आपके म्यूनसिपैलिटीज़ लाए गए जो आपके जो है शहरों को आपके टाउन्स को सिटीज़ को जो है वो आ, देखेंगे ठीक है तो इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ योर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये अब हमारा मेन यहाँ पढ़ने का मकसद क्या था ये मैंने आपको थोड़ा बहुत इसका ये दे रही थी बैकग्राउंड के अमेंडमेंट वगैरह क्या होता है क्योंकि आपका पॉलिटी का पार्ट भी सिलेबस में है तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अब हमारा इसमें क्या कंसर्न है हम क्या पढ़ रहे हैं कि इस ये जो अमेंडमेंट्स है इस इनने और क्या कहा था थर्टी दैट इज़ वन थर्ड ऑफ द वुमेन जो है इन थ्री टेयर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन रूरल एरियाज एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज वन थर्ड ऑफ द वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व होंगी ठीक है फॉर एग्जांपल किसी एक विलेज में पंद्रह सीटें हैं तो उसकी वन थर्ड कितनी होगी फाइव तो उसमें जो फाइव सीट्स होंगी वो वुमेन के लिए रिजर्व होंगी ठीक है ये इसका मतलब है सिंपल मैथ है फिर 2009 में एक ऐसे अमेंडमेंट बिल आई थी वो अभी तक एक्ट नहीं बना था मतलब अभी तक सिर्फ बात हुई थी एक बिल आई थी जिसमें डिटेलिंग की गई थी लेकिन अभी तक वो पास नहीं हुई थी ठीक है वो इंट्रोड्यूस की गई थी लोकसभा में और कहा था कि जो रिजर्वेशन ऑफ वुमेन है अभी तक कितनी मैंने कहा वन थर्ड है उसको इंक्रीज करके फिफ्टी परसेंट रिजर्वेशन कर दो मतलब उसको कितना कर दो वन बाय टू ठीक है उसको पूरा हाफ रिजर्वेशन कर दो फॉर एग्जांपल किसी विलेज में अगर टेन सीट्स हैं उसमें से, उस से फाइव जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व रखो लेकिन इस बिल को पास नहीं किया गया और ये वन थर्ड पे ही रखा गया दैट मींस अगर आपके पास ट्वेंटी फोर सीट्स हैं किसी विलेज में तो कितनी आपकी इसमें सीट रिजर्व होंगी फॉर वुमेन के लिए एट ठीक है ट्वेंटी का वन थर्ड करना है आपको तो एट सीट्स होंगी वुमेन के लिए रिजर्व की गई होंगी तो वन हंड्रेड टेंथ अमेंडमेंट बिल ने कहा था कि फिफ्टी परसेंट रिजर्व करो वुमेन के लिए उसका क्या मतलब वो ट्वेंटी फोर में से कितनी रिजर्व होनी चाहिए ट्वेल्व लेकिन इस लॉ को कभी पास नहीं किया गया तो करंटली हमारे पास यही है कि वन थर्ड ऑफ द सीट्स जो है या थर्टी थ्री परसेंट भी आप इसको बोल सकते हो वो रिजर्व होती हैं वुमेन के लिए किसमें पंचायती इसमें भी राज में भी एंड म्यूनिस्पैलिटीज में भी समझ गए आगे देखते हैं और ये जो वन थर्ड सीट्स ऑफ द वुमेन है वन थर्ड ऑफ द परसेंटेज ऑफ सीट आर फॉर दुमन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ठीक है अब जो वेमेन के लिए सीट रिजर्व हैं जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी वन थर्ड विजर्व है वो जो रिजर्व सीट्स हैं वुमेन की उसमें से भी आपको वन थर्ड जो है किसके लिए रखनी होगी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की जो वुमेन है जो उनको बिलोंग करती है ठीक अगर हम ऊपर वाली एग्जाम्पल कंटिन्यू करें अगर फिफ्टीन सीट्स हैं किसी विलेज में तो उसमें एटलीस्ट वन थर्ड जो है फाइव सीट्स किसके लिए वन थर्ड होगी फाइव सीट्स किसके लिए रिजर्व होनी चाहिए वुमेन के लिए बाकी आप पंचायती राज में वो मेन को दे सकते हो या आपके म्यूनसिपैलिटीज में भी और उन फाइव में भी वन थर्ड दैट मीन्स फाइव टू आउट ऑफ फाइव एटलीस्ट वो जो पांच है उसमें से जो दो सीट्स है वो होनी चाहिए रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू एस सी एंड एस टी कास्ट समझ गए ये इसका आपको बोला गया था यह आपको एक राइट दिया गया है वुमेन को रिजर्वेशन का कहां पे पंचायती लेवल पे लोकल लेवल पे पंचायती एंड आपके म्यूनिसपालिटी लेवल पे जो उनको राइट दिए गए हैं रिजर्वेशन राइट ये हम वो डिस्कस कर रहे थे रिजर्वेशन राइट्स ठीक है आगे देखते हैं उसके बाद और एक अमेंडमेंट हमारे पास यहाँ पे डिस्कस करने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वन जीरो सिक्स 2023 ये कहता है रिजर्व करो वन थर्ड ऑफ ऑल द सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेली इंक्लूडिंग दो रिजर्व फॉर एस टीज इन एस टीज तो वो हमने पंचायती राज की बात की थी ये जनरली कह रहा है कि लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में क्या करो वन थर्ड ऑफ द सीट्स जो है किसके लिए रिजर्व रखो वुमेन के लिए ठीक है तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाना जो हमने अभी तक बात करी ये वाली रिप्रेजेंटेशन ही खासकर पंचायती और ये स्पेसिफिकली पंचायती एंड आपका अर्बन लोकल बॉडीज का था एंड दिस वन इज फॉर योर कि आपकी जो जितनी सारी सीट्स हैं लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ डेली उसमें से वन थर्ड किसके लिए रिजर्व रखो वुमेन के लिए ठीक द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन मैंडेट्स इराडिकेशन ऑफ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पॉलिटिकल एंड पब्लिक अफेयर सिग्नेटरी तो ये हमने कल पढ़ा इसको सिडो भी बोलते हैं जो कमेटी कहा था फॉर्म करो ट्वेंटी थ्री एक्सपर्ट मेंबर और इंडिया जो है सिग्नेटरी भी साइन भी किया है एंड रेटिफाई भी किया है वो किस ईयर में किया है कॉमेंट्स में लिखो अगर आपने कल यहाँ पे आ, कल का वीडियो आपने देखा है ना आपको पता ही होगा आई होप आपने रिवाइज किया हो साथ में जो भी मैंने पढ़ाया कल तो कॉमेंट्स में लिखो इंडिया ने किस ईयर में इसको रेटिफाई किया था तो ये हो गए कुछ पोलिटिकल राइट्स ठीक है रिजर्वेशन के राइट्स अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस राइट्स ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जेंडर इनइॉलिटी में यहाँ पे थोड़ा इसका रिविजन हो जाएगा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 मेड सन्स डॉटर्स एंड विडोज इक्वल क्लेमेंट इन अ मैन सेपरेट प्रॉपर्टी एंड इन हिज शेयर इन ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी ठीक है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग चाहे वो बेटा हो बेटी हो या विडो हो वो क्लेम कर सकते हैं मैन की प्रॉपर्टी में अपने हस्बैंड की फादर की प्रॉपर्टी में से अपना शेयर ठीक है लेकिन अभी तक क्या हुआ था जो कॉपरसनरी राइट्स थे सिनरी, that means जो ल राइट right मिलते हैं बाय बर्थ वो सिर्फ किसको मिलते थे बेटे को अगर बेटा चाहे वो कभी भी अपनी प्रॉपर्टी में से डिमांड कर सके एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से मुझे हिस्सा दे दो डैड की दादाजी की तो वो सिर्फ राइट किसको था सन को था ओनली मेल अर जो था एच ई आई आर इसको अर पढ़ते हैं मेल अर को सिर्फ रिकोगनाइज किया गया था ये हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी सिक्स के अकॉर्डिंग ठीक है उसके बाद इसको अमेंड किया गया एंड इसमें फीमेल अर को भी इंट्रोड्यूस किया गया दैट मीन्स बेटी भी जो है वो बाय बर्थ आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है वो मांग सकती है मतलब उसके पास वो राइट है बाय बर्थ ठीक है तो कॉपर्सनरी राइट्स किसको एक्सटेंड किए थे फीमेल्स को भी ये आगे इसको फर्दर आइए टू 2005 में या सिक्स में अमेंड किया गया था वो हम आगे देखेंगे तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 फिफ्टी सिक्स द मिताक्ष स्कूल ऑफ हिंदू लॉ जो था एक्चुअली इसी को कोडिफाई किया था एज हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 हमने मिताक्षरा लॉ पढ़ा है स्कूल मिता स्कूल हमने ऑलरेडी कवर किया है ये दो स्कूल्स हैं एंड मिताक्षरा में बाय बर्थ जो है वो बेटे के पास राइट है वो फादर की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग सकता है दया बागा में फादर की अपनी चॉइस है एंड जब तक वो जिंदा है तब तक उसकी मर्जी है वो दे या ना दे उसकी डेथ के बाद सन क्लेम कर सकता है ठीक है ये बंगाल में यूजली फॉलो होता है तो ये हमने पढ़ लिए हैं दोनों इनहेरिटेंस ये स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ ये हमने ऑलरेडी कवर किए हैं इट गवर्न सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बट ओनली रिकोगनाइज मेल्स एज लीगल और ठीक है तो सिर्फ मेल को लीगल और रिकोगनाइज किया है दैट मीन जो कॉपरसनरी राइट्स है कि बेटा जब भी चाहे प्रॉपर्टी में डिमांड कर सके क्योंकि उसको बाय बर्थ कुछ राइट मिले हैं वो सिर्फ मेल्स को मिले थे और इसमें जो हिंदू वर्ड है उसमें कौन कौन सा रिलीजन किसको इंक्लूड नहीं होता है मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी और ज्यूज ठीक है तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो हिंदूज हैं वो सारे हैं एक्सेप्ट मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी और ज्यूज तो यहाँ पे इंडिया में कौन से और रिलीजन बच गए इसमें से बुद्धिस्ट सिख जेन्स ठीक है तो ये इस डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं क्योंकि दे आर द फॉलोअर्स ऑफ आर्या एंड ब्राह्मो समाज और इनको इस लॉ के पर्पज़ के लिए हिंदू कंसिडर किया जाता है तो शॉर्ट स्टोरी ये है जो हिंदू सक्सेशन एक्ट का वर्ड हिंदू है इसमें सिर्फ हिंदू नहीं ये हिंदू के लिए भी है बुद्धिस्ट के लिए भी है जैनस के लिए भी है एंड सिख्स के लिए भी है और इसमें से एक्सक्लूड किया गया दैट मीन्स ये किसके लिए नहीं है मुस्लिम्स के लिए क्रिश्चंस के लिए पारसी और जीव्स के लिए ठीक है क्योंकि वो अपने पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग उनके प्रॉपर्टी राइट्स गवर्न होते हैं ठीक है तो इसको अमेंड किया गया 2005 में और हिंदू वुमेन राइट को हिंदू वुमेन को राइट दिया टू तो बी कॉपरसनर्स और द्वार लीगल अर्थ एज अ मेल डस ठीक है तो वो राइट किसको एक्सटेंड किया गया वुमेन को भी 174th सेवेंटी फोर्थ लॉ कमीशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो रिफॉर्म है हिंदू सक्सेशन लॉ में ये लाया गया तो ये रिफॉर्म ही था ना बहुत बड़ा कि वुमेन को भी कंसिडर किया जाएगा एज लीगल अर्थ तो ये किसके अकॉर्डिंग था वन सेवेंटी फोर्थ लॉ कमीशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब देखते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस एंड लॉ फंडामेंटल राइट्स जो है वो ग्रांट करते हैं इक्वल स्टेटस टू बोथ मेन एंड वुमेन हाव एव रियालिटी डिफरेंट है क्योंकि पेट्रियारिकल इंस्टीट्यूशनस एंड ट्रेडिशन जो है वो हमारे लिए मुश्किल बनाते हैं वुमेन के लिए सेम फ्रीडम इन्जॉय करना जो मैन को मिलती है फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल्स क्या है इसको लेके वो हम आगे देखेंगे हमने पहले भी डिस्कस किए हैं पर इस वीडियो में दोबारा डिस्कस करेंगे उससे आपका रिविजन हो जाएगा ठीक है टू क्राइम अगेंस्ट वुमेन अब क्या लॉ लेके आई है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ताकि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन जो है उनको रोका जा सके तो ये सारा आपका किस कैटेगरी में फॉल करेगा वुमेन राइट right में क्योंकि बेसिकली हमें सिलेबस ने वही कवर करना है तो जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है कुछ लॉज रिलेटेड टू वुमेन ये लेके आई थी वो कौन कौन से लॉज थे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ठीक है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 ये आगे मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमे प्रोहिबिशन एक्ट 1986 एट्टी की चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो पैम्फलेट्स हो जर्नल्स हो वहाँ पे आप इनडिसेंट तरीके से वुमेन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस ठीक है टू में लेके आए थे इसको क्या बोला जाता है फेमस कौन से नाम से के विशाखा विशाखा गाइडलाइंस जो दी गई थी ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आप जहाँ भी काम कर रहे हो अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको प्रोटेक्शन दी जाती है कि कोई भी आपसे कोई सेक्शुअल फेवर डिमांड नहीं कर सकता है ठीक कोई सेक्शुअल रिमार्क पास नहीं कर सकता है कोई फिजिकल कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश नहीं कर सकता है आपसे ऐसी कोई भी चीज़ दरअसल जिसमें आप अनकम्फर्टेबल हो जाओ एंड इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दियोर एम्प्लॉयर कि जिनके आप एम्प्लॉयर हो वो लुक आफ्टर करें कि आपको ऐसी कोई हरासमेंट फेस ना करनी पड़े अदरवाइज उनको लीगल इंप्लीकेशन एंड फाइनेंशियल इंप्लीकेशन जो है वो फेस करने पड़ेंगे तो ये कुछ एक्ट वे जो लेके आए हैं गवर्नमेंट आगे और भी देखेंगे यहाँ पे देखो डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ आपका फिजिकल टॉर्चर नहीं आता है अगर आपको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है ठीक है इसमें मेंटल अब्यूज भी आएगा आपका आपका इमोशनल अब्यूज भी आता है इमोशनल अब्यूज ठीक है और फिजिकल टॉर्चर तो है ही तो सेक्शुअल अब्यूज तो ऐसी सारी चीजें अगर आप फेस कर रहे हो आप इमिडिएटली रिपोर्ट कर सकते हो अथॉरिटीज को क्योंकि आपको राइट दिया गया है एज पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट तो उनको पेनल्टी भी हो सकती है फाइन भरना पड़े या इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है हो सकता है एक साल के लिए भी उनको जेल हो जाए वो टर्म जो है वो एक्सटेंड हो सकता है वन ईयर के लिए भी अगर किसी भी तरीके का मेंटल इमोशनल फिजिकल अब्यूज आप फेस कर रहे हो लेकिन यूजली ऐसा होता नहीं है रिपोर्ट केसेस काफी कम होते हैं क्योंकि इलिटरेसी इतनी ज्यादा है फीमेल इलिटरेसी खास ज़्यादा है अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है एंड देन जब आप अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करते हो आप पुलिस डिपार्टमेंट जाते हो तो उनके वर्किंग पे भी सवाल उठता है कि वो कितना ज्यादा आपके साथ कोऑपरेट करते हैं इन चीजों को आगे पुश करने में तो आगे देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस ये तो हम चाइल्ड राइट्स में पढ़ेंगे ही लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने यहाँ पे क्यों इंक्लूड करी क्योंकि अगर गर्ल विक्टम्स होती हैं गर्ल विक्टम्स अगर गर्ल चाइल्ड विक्टम्स होंगी तो उनके लिए थोड़ा जेंडर सेंसिटिव प्रोविजन लाया जाता है कि उनके साथ आप किस तरीके से बात करोगे ठीक है एंड देन जब वो आपको अपनी स्टोरी सुनाएंगे उनके साथ क्या हुआ है तो वहाँ पे उस टाइम पे कौन प्रेजेंट होगा एक कंफर्टेबल एनवायरमेंट होना चाहिए जिसमें वो बात कर सके तो जेंडर सेंसिटिव प्रोविजन इस ऑफेंसेस में भी लेके जो है वो आए हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा एंगल इसमें भी बनता है कि वुमेन राइट से रिलेटेड है क्रिमिनल लॉ अमेंट एक्ट 2018 जो है हैव ऑल्सो बीन इनेक्टेड मेकिंग पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस लाइक रेप मोर स्ट्रिंजेंट बाय इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी अगर रेप किसका होगा फॉर ए गर्ल बिलो द एज ऑफ ट्वेल्व ईयर्स ठीक है तो उसके लिए सिर्फ क्या सीधे क्या दी जाती है उसको जिसने भी जो कल्परेट होगा उसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी अगर रेप किसका होगा किसी भी गर्ल का बिलो दिस ईयर ट्वेल्व ईयर्स ठीक है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 इसने क्या किया था आपकी जो मैरिजेबल एज है इन केस ऑफ मेल्स वो बोला 21 है एंड फीमेल्स की कितनी होगी 18 ठीक है एंड इस एक बिल लेके आए थे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 इसके अकॉर्डिंग क्या होगा ये जो मिनिमम एज है कहाँ इंक्रीज कर दी जाएगी फीमेल्स की एटीन टू ट्वेंटी एंड जो ये पी एम सी एक्ट है पीसीएमए प्रोहिबेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसके अकॉर्डिंग अगर एक पर्सन की शादी हो जाती है बिलो द मिनिमम एज फॉर एग्जांपल 18 इयर्स है इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर उसकी शादी हो गई 16 इयर्स में हो गई अब शादी अभी वो एक नाबालिग इंसान है लेकिन अब उसको लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है क्योंकि उसकी अंडर एज में शादी हो गई तो वो जो आ, लड़की है शी कैन कॉल फॉर एनलमेंट ऑफ द मैरिज वो बोल सकती है कि मुझे शादी में नहीं रहना है क्योंकि तब मैं अंडर एज थी लेकिन उस एनलमेंट के लिए उसको टू ईयर्स तक वेट करना है जब तक उसने अटेन ना की हो एटीन ईयर्स मतलब मेजोरिटी वाली एज वो कौन सी उसकी एज लिमिट क्या है लीगल एज एटीन शादी करने के लिए तो 18 के बाद उसको दो साल तक वेट करना है उस शादी को एनल करने के लिए जो शादी उसकी अंडर एज में हुई थी चाहे वो 15 इयर्स में हुई हो 14 इयर्स में हुई हो उसको वेट करना है पहले 18 इयर्स होने का लीगल बनने का 18 के बाद उसको प्लस टू इयर्स वेट करना है उस शादी को कॉल ऑफ करने के लिए ठीक है मतलब लीगल होने के बाद उसको दो साल तक वेट करना है देखने के लिए मैं शादी में रह पाऊँगी नहीं रह पाऊंगी तो जो पी सी एक्ट है इसने कहा दो साल तक वेट करना है लेकिन ये जो बिल लेके आए थे टू में इस बिल ने कहा कि ये टू ईयर्स तक नहीं आप वेट करो फाइव ईयर्स तक ये बताने के लिए कि आपको सेपरेट होना है अपने हस्बैंड से क्योंकि आपकी शादी अंडर एज में हुई थी एंड नाउ यू वांट टू कॉल ऑफ दिस मैरिज तो एटलीस्ट आप फाइव इयर्स तक वेट करो तो वो कितना हो जाता है एटीन आपकी लीगल एज हो गई पहले आप एटीन होने का वेट करोगे एटीन प्लस फाइव दैट मीन्स ट्वेंटी थ्री ईयर्स के जब तक आप हो जाओगे तब तक आपको वेट करना पड़ेगा कॉल ऑफ करने के लिए ऐसी शादी को जो आपकी अंडर एज में हुई थी जब आप एटीन ईयर से कम थे स्पेशल मैरिज एक्ट ये हमने पहले भी डिस्कस किया है ये क्या करता है प्रोवाइड करता है मैरिज इेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और फेथ आप किसी भी फेथ uh, में या रिलीजन में शादी कर सकते हो तो ये परमिट करता है इंटर रिलिजस मैरिजिस ठीक है एंड ये हो गया स्पेशल डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 ये क्या करता है प्रोहिबिट करता है कोई भी पेमेंट और एक्सेप्टेंस ऑफ डाउरी ठीक है तो आस्किंग फॉर और गिविंग ऑफ डाउरी कैन बनिश्ड बाई इम्प्रेजनमेंट अप टू सिक्स मंथस जेल या फाइन ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है या इसमें इम्प्रेजनमेंट हो सकती है इवन अप टू फाइव ईयर्स भी ठीक है अगर आपने डाउरी जो है वो डिमांड करी तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई डाउरी डिमांड करेगा आप इस एक्ट का यूज़ करके क्या कर सकते हो उनको पाँच साल के लिए जेल भेज सकते हो या एटलीस्ट छः महीने के लिए तो भेज ही सकते हो मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है ये जो एक्ट है इस 1961 में आया था एंड इसको अमेंड भी किया गया था बाद में 2017 में इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो पेड मेटर्निटी लीव है फॉर वुमेन एम्प्लॉयज़ की जिनके लेस देन टू सर्वाइविंग चिल्ड्रंस हैं वो कितनी थी ट्वेल्व वीक्स मैंने मैं, आपके एम बी के अकॉर्डिंग मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग 1961 में जो एक्ट लाया था कि 12 वीक्स तक आपको मेटर्निटी लीव मिलेगी लेकिन उसको एक्सटेंड किया गया 2017 में अमेंडमेंट लाई गई इस एक्ट में उसको एक्सटेंड किया गया वीक्स तक ठीक है 12 26. और एक अमेंडमेंट ली गई लाई गई कि अगर आप एक बच्चा अडॉप्ट करते हो दैट इज बिलो द एज ऑफ थ्री मंथ्स थ्री मंथ्स से छोटे आप जीरो टू थ्री मंथ्स के बिटवीन आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हो तो योर अलाउड कि आप ट्वेल्व वीक्स की मेटर्निटी लीव जो है वो रख सको ठीक है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द चाइल्ड जब आपको बच्चा मिलेगा उसके बाद बारह हफ्ते तक दैट मीन्स आपके तीन महीने की लीव जो है आपको मिल जाएगी एंड ऑल्सो अलाउड मदर्स टू वर्क फ्रॉम होम टू आफ्टर कम्प्लीटिंग ट्वेंटी सिक्स वीक सब्जेक्ट टू देर मोड ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉइज कंजेंट तो यहाँ पे हमने क्या आप देखा इस अमेंडमेंट में क्या लेके आए थे ट्वेल्व वीक्स से ट्वेंटी सिक्स वीक्स तक आपको एक्सटेंड मिल जाएगी मेटर्निटी लीव ये जो ट्वेंटी सिक्स वीक्स हैं इसके बाद अगर आपका जो जहाँ पे आप काम करते हो वहां पे अलाउड है तो आप वर्क फ्रॉम होम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेस देन टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन दैट मीन्स ये जो बेनिफिट इस अमेंडमेंट से लाए गए थे कौन सा बेनिफिट कि ट्वेल्व वीक्स की जगह आपको ट्वेंटी सिक्स वीक्स की मेटर्निटी लीव मिल सकती है ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर आपका ये पहला बेबी है ठीक है इधर यू हैव नो चिल्ड्रन और यू हैव ओनली वन चिल्ड्रन ठीक है वन सर्वाइविंग चिल्ड्रन है आपका दैट एक बेबी जो अलाइव अलाइव है या आपका कोई बेबी नहीं है उस केस में आपको ये बेनिफिट मिल सकते हैं क्योंकि आपको लेस देन टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन होनी चाहिए तो या तो आपका पहला बेबी होना चाहिए या तो आपका ये दूसरा बेबी होना चाहिए तीसरा बेबी हो जाएगा आपका तो वो लेस देन टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन नहीं हो जाएगा क्योंकि फिर आपके टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन ऑलरेडी होंगे अगर आपका तीसरा बेबी होगा उस केस में बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे आगे देखते हैं कुछ और एक्ट्स हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 माइंस एक्ट एक्ट 1952 प्लांटेशन लेबर 1951 तो बेसिकली जो फैक्ट्रीज में काम वगैरह करती हैं हैं वुमेन उनके लिए खास एक्ट्स तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या वुमेन राइट मिलता है प्रोहिबिट किया गया है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन बिटवीन सेवन पी एंड सिक्स ए इसके बीच में आप फैक्ट्रीज में माइन्स में प्लांटेशन में जहां पे भी प्लांटेशन वर्कर्स हैं काम हो रहा है वहां पे सेवन पी से सिक्स ए के बीच में वुमेन को नहीं बुला सकते हो ठीक है और गवर्नमेंट है वो फिक्स करेगी कितना लोन ले सकती हैं एंड जो उनको लिफ्ट करना होता है ऐसे कामों में एंड वो क्रेचेस वगैरह ओपन करना साथ में जहाँ पे वुमेन एम्प्लॉयमेंट है काफी वुमेन किसी नंबर से ज्यादा वहां पे काम करती हैं तो वहां पे क्रेचेस वगैरह खुलने चाहिए जहां पे अपने बच्चों को डाल सके एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 ये क्या कहता है कि इंक्लूड सिकनेस बेनिफिट आप बीमार हो जाओगे मेडिकल लीव मेटर्निटी बेनिफिट अब मिलना चाहिए वुमेन को डिसेबलमेंट बेनिफिट दैट मीस काम करते करते अगर कुछ ऐसा हो गया फिजिकल एलमेंट होगी कभी किसी का Uh, हाथ कट जाता है बाजू कट जाता है या अल्लाह बच्चा ऐसे कोई डिसेबल हो जाता है तो उसका बेनिफिट डिपेंडेंट बेनिफिट कि अगर कुछ हो जाए फीमेल वर्कर को एंड जो बच्चे उन पर डिपेंडेंट हो या पेरेंट्स डिपेंडेंट हो या स्पाउस डिपेंडेंट हो उनको बेनिफिट्स मिले ठीक है एंड मेडिकल एंड फ्यूनरल बेनिफिट क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेज भी आपके उठा सके इनकेस कोई प्रॉब्लम हो जाए आपको जो फीमेल वर्कर है उनको एंड फ्यूनरल बेनिफिट उनके फ्यूनरल में जो भी खर्चा आता है वो क्रिमेशन वगैरह का एंड फ्यूनरल का जो भी एक्सपेंसेस होते हैं डेथ के बाद वो भी सारे इस इंश्योरेंस एक्ट के अंडर कवर्ड होंगे तो ये किन के लिए अप्लाई होगा जो भी इंश्योर्ड फीमेल वर्कर्स हैं तो उनने वो इंश्योरेंस लिया होगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट तो उनको ये सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 ठीक है ये पास तब हुआ था जब इतनी साइंटिफिक एडवांसमेंट इंडिया में हो गई थी कि सेफ़र एबॉर्शन जो है वो कर सके ठीक है तो इस एक्ट को अमेंड किया गया था एक्ट 1971 में फर्दर एमपावर करने के लिए वुमेन को कि वो थोड़ा अपने अबॉर्शन पे खुद कंट्रोल कर पाए वो कैसे देखो ये जो नया एक्ट लाया था इन्होंने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 इसने क्या किया एक्सपैंड द एक्सेस टू सेफ एंड लीगल एबॉर्शन सर्विसेज ऑन थेरोपेटिक अब किस किस बेसिस पे आप कर सकते हो एबॉर्शन इन सारे बेसिस पे जो पुराने एक्ट में नहीं थे थेरोपेटिक अगर आप फिज़िकली आप फिट नहीं हो उस प्रेगनेंसी uh, के लिए आप नहीं चाहते हो आपकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ भी इसमें इंक्लूडेड आ गई ठीक है वो इफ़ेक्ट कर रही है यूजेनिक के आपके अंदर जो बेबी है अगर उसमें कोई एबनॉर्मैलिटी डेवलप होती है एबारमलिटीज़ उस केस में भी चाहे आप अबॉर्शन की डिमांड कर सकते हो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कि अगर आप प्रेगनेंसी है वो किसी रेप की वजह से या कोई अब्यूज़ की वजह से डेवलप हुई है किसी इंसेस्ट अब्यूज़ क्लोज रिलेटिव के अब्यूज़ की वजह से डेवलप हुई है तो वो भी आप ह्यूमानिटेरियन ग्राउंड पे एंड सोशल ग्राउंडस पे कि अगर आप सिंगल पेरेंट हो या आप उतना नहीं कमाते हो फाइनेंशियली अभी उतने साउंड आप नहीं हो कि आप प्रेगनेंसी अफोर्ड कर पाओ तो इन सारे केसेस पे भी अब आप क्या कर सकते हो अपने जो एबॉर्शन है आपके लिए लीगल हो जाते थेराप्यूटिक यूजेनिक ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल ग्राउंड्स ये ऐड किए गए हैं इस अमेंडमेंट एक्ट से अंडर द एक्ट जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट कर सकते हैं अप टू 2 20 वीक्स बाय मैरिड वुमेन इन केस ऑफ अ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और डिवाइस ट्वेंटी वीक्स तक जो मैरिड वुमेन है वो कर सकती है प्रेगनेंसी अबॉर्शन डिमांड कर सकती है अगर उसने कॉन्ट्रासेप्टिव जो यूज़ किए थे वो फेल हो गए हों और प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू रही हो लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट में अनमैरिड वुमेन जो है ये भी डिमांड कर सकती हैं कि मुझे भी टर्मिनेट करनी है प्रेगनेंसी इसी रीजन की वजह से कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव वो अनमेरिड यूज़ कर रही थी वो कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गए एंड वो Uh, किस में रिजल्ट हो गया इन टू प्रेगनेंसी एंड अब उसको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है तो वो अगर डॉक्टर के पास कोई अनमेरिड जाती है कि मेरी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करो अप टू ट्वेंटी वीक्स तो डॉक्टर मना नहीं कर सकती इस अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर ये नहीं बोल सकती कि आपकी शादी नहीं हुई है आप कैसे प्रेगनेंट एंड ऑल दैट वो डॉक्टर का लुकआउट नहीं है उसको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है ठीक है ये बाय लॉ है इंक्रीज द अपर जेस्टेशन लिमिट टू लिमिट फ्रॉम ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर वीक्स अब देखो मैंने यहाँ पे कहा क्या जेस्टेशन एज होनी चाहिए ट्वेंटी वीक्स की प्रेगनेंसी होनी चाहिए अब इस अमेंडमेंट एक्ट में कुछ कैटेगरीज़ के लिए उसको एक्सटेंड किया गया फ्रॉम ट्वेंटी फो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर वीक्स अब वो कैटेगरीज़ कौन सी थी रेप विक्टिम्स के लिए विक्टिम्स ऑफ इन्सेस्ट की क्लोज रिलेटिव्स ने उनके साथ कुछ किया या अदर वालनरेबल वुमेन जैसे कोई मेंटली थोड़ा ये होती हैं डिसेबल होती हैं या डिफरेंटली एबल्ड होते हैं माइनर्स होते हैं ठीक है थीके? जो जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि वो प्रेग्नेंट हो गए वो अपने पूरे सेंसेस में नहीं थे या रेप विक्टम्स या इंसेस्ट विक्टम्स उनके लिए जो प्रेगनेंसी है वो ट्वेंटी फोर वीक्स तक वो टर्मिनेट कर सकते हैं लीगल है उनके लिए अबॉर्शन एंड अगर इस आ, कैटेगरी को हटा के जो बाकी कैटेगरीज हैं वो अप टू तो ट्वेंटी वीक्स तक डिमांड कर सकती हैं टर्मिनेट करो प्रेगनेंसी इसमें आपकी मैरिड वुमेन भी फॉल करती हैं एंड अनमैरिड वुमेन भी फॉल करती हैं एंड डॉक्टर्स जो है अनमेरिड केसेस में वो आ, ये नहीं कर सकते आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते हैं कि फलानी आई थी और उसने टर्मिनेट करवाई थी ये बात जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस वुमेन्स राइट को लेके ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं ये स्लाइड्स मैंने वहीं से कॉपी करी हैं जेंडर इन वाले चैप्टर से आर्टिकल फोर्टीन जो कहता है कि सारे इक्वल हैं इक्वलिटी इक्वल स्टेटस और इक्वल इक्वालिटी बिफोर लॉ ठीक है आर्टिकल फिफ्टीन कहता है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस क्लास कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ दैट मीन्स फीमेल जो है वो इक्वल हैं एंड इस इक्वलिटी के प्लस उनको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी दी जाती है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट करेगी बाकियों को क्योंकि वो कुछ खास रिजर्वेशन लेके आएंगी वुमेन के लिए ठीक है वो टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को हम उस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं जो किसी के वेलफेयर के लिए लेके आया हो कौन गवर्नमेंट जैसे रिजर्वेशन है आपको एस सी एस टी ओबीसी उनको रिजर्वेशन दी जाती है तो कहीं ना कहीं वो जनरल कैटेगरी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई लेकिन इस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं आर्टिकल सिक्सटीन क्या कहता है इक्वल अपर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस तो आर्टिकल 16 जो है वो स्पेसिफिकली जॉब्स के है. के है. के रिलेटेड 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 है है एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट आप किसी को ये नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ देर जेंडर फिर आर्टिकल थर्टीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो स्टेट है इट शल मेक श्योर दैट मैन एंड वुमेन हैव एन इक्वल राइट टू एन एडुकेट लाइवलीहुड पैसे कमाना जो है वो उनका एक इक्वल एकट right है दोनों का आर्टिकल फोर्टी टू द स्टेट सेल सिक्योर ह्यूमेन कंडीशन मतलब जस्ट कंडीशन होनी चाहिए जहां वुमेन काम करते हो फॉर वर्क एंड मेटर्निटी रिलीफ जो है उनको मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल फोर्टी टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमेन कंडीशन में ये भी देखा जाएगा कि जहाँ पे वुमेन एम्प्लॉयड है वुमेन तो वहां पे क्या प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि नहीं ठीक है ऐसे कंडीशन हैं कि नहीं जहाँ पे उनकी टाइमिंग्स क्या है ठीक ऐसे सारे कंडीशन हैं कि नहीं जहाँ पे वुमेन काम कर सके तो ये आपका हो गया कवर वुमेन राइट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे चाइल्ड राइट्स को डिस्कस करेंगे सो टिल द टाइम आप लोग नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर अ ग्रेट डे